अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति। आज की तारीख बहुत अच्छी है, 20/11/2020। 20 कितनी बार आ गया? 3 बार आ गया। बाबा कहते बच्चे तुमको मैं इस पार से उस पार ले जाता हूँ। कलयुग से बाबा ने निकाल दिया, सतयुग में ले जाते। लेकिन अब जो समय आ गया है ना, वो सतयुग का किनारा दिख रहा है। इतना हम बच्चे नजदीक आ गए हैं, जिसको सिंधी में कहते षडपंथ, यानी आंखों के सामने वो मंजिल दिख रही है। बस घर आया कि गया, घर आया कि आया, स्वर्ग आया कि आया, सामने दिख रहा है। इतना नजदीक हम आ गए, तो वो बाबा में महसूस करा रहे मुरली में, बच्चे तुम किनारे के पहुंच गए, इसलिए अभी पीछे मुड़ करके मत देखो, अपनी अवस्था को अचल अडोल रखो और बीती को बीती करो। बातें तो आती रहती है सामने, जो भी दृश्य आता है ड्रामा के अंदर, बीती सो बीती, स्थिति को मजबूत रखो। और अभी हम पहुंचे की पहुंचे, तो ऐसे बाबा हम बच्चों को
इस पार से उस पार ले जाती, तो अब हमें आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। बीच भवन में हम फंसे नहीं है, वहां से भी हम निकल गए। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा मार्जिन बहुत कम बचा है, किनारे पर पहुंच जाएंगे। चलो बाबा की मुरली सुनते। मीठे बच्चे, तुम अभी बिल्कुल षडपंथ, बिल्कुल षडपंथ किनारे पर खड़े हो। तुम्हें अब इस पार से उस पार जाना है, घर जाने की तैयारी करनी। बस घर जाने का समय आ गया, बेहद का वैराग्य इस कलयुगी दुनिया से, जा रहे अपने घर। प्रश्न है, कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। कौन सी एक बात याद रखो तो अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। ध्यान से सुने। उत्तर है, पास्ट इज पास्ट, बीती का चिंतन नहीं करना है, आगे बढ़ते जाना है। सदा एक की तरफ ही देखते रहो तो अवस्था अचल अडोल हो जाएगी। एक के तरफ देखो और मंजिल को देखो। अर्जुन को क्या बताया, कहां लक्ष्य रखो, कहां तीर मारना है वहीं देखो, आसपास भी मत देखो। तुमने अब कलयुग की हद को छोड़ दिया, फिर पिछाड़ी की ओर क्यों देखते हो, और वो भी दुख लगा पड़ा है वहां, क्यों देखें, मुड़ करके क्यों देखें। उसमें बुद्धि जरा भी न जाए, यही सूक्ष्म पढ़ाई है। चेक करो मेरी बुद्धि कहां पुरानी दुनिया में कोई भी चीज के अंदर अटकी हुई तो नहीं है। ओम शांति। दिन बदलते जाते, टाइम पास होता जाता, एक एक सेकंड बीतता है ना, वह रील में अंदर जाता है और उसको कल्पक के बाद फिर खुलना है। तो हम अच्छा ही अच्छा करें, अगर हमने कुछ गड़बड़ कर दी, उल्टा सुलटा किया, वो रील में चला जाएगा, फिर रिपीट होगा, फिर हर कल्प रिपीट होगा। नहीं तो बाबा कहते समय भी कम बचा है और वो पास्ट होता जा रहा है। विचार करो, सत्युग से लेकर टाइम पास होते होते अभी आकर कलयुग के भी किनारे पे खड़े हो। ये सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का चक्र भी एक जैसे मॉडल है। सृष्टि तो बहुत लंबी चौड़ी बड़ी है, उसके मॉडल रूप को बच्चों ने जान लिया। सृष्टि तो बहुत बड़ी है ना, उसको छोटे रूप में देखो बना देती, उसमें सब कुछ आ जाता है ज्ञान। आगे ये पता नहीं था कि अभी कलयुग पूरा होता है, तो कलयुग को पता नहीं कितने लाखों वर्ष समझते थे। अभी भी लोग कहते दुनिया तो चलती रहेगी, कलयुग में लाखों वर्ष है। अभी मालूम पड़ा तो बच्चों की भी बुद्धि से सत्युग से लेकर चक्कर लगाए, कलयुग के अंत में किनारे पर आकर के ना ऐसे ठहरना चाहिए, समझना चाहिए। टिक टिक होती रहती है और ड्रामा फिरता रहता है, इसलिए ड्रामा की तुलना बाबा घड़ी से करते। 12 बजे तक की गिनती होती है, वापस चक्कर लगता है, समय चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। अब तो 12 बज रहा है, पूरा ही खत्म हो रही है दुनिया, कलयुग की नई दुनिया आ रही है, तो बाकी क्या हिसाब रहा होगा, जरा सा रहा होगा। कितना बचा है, जरा सा। कई बार बाबा गीत बजता है ना, धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। बच्चे बस आया क्या आया, धीरज धरो। आगे तो पता नहीं था, अभी बाबा ने समझाया है, बाकी जाके ना कोना आकर के रह गया। सुना आप, देखो घड़ी को देखो, जब 12 बजने को जरा सा समय होता, कोना रह गया। इस दुनिया से उस दुनिया में जाने के लिए
थोड़ा समय, जिसको मैंने एक बार बताया ना, नाखून जितना समय बचा है उतना ही समय बच गया। ये ज्ञान भी तो अभी मिला, हम सतयुग से लेकर चक्कर लगाते लगाते अब कहां पहुंच गए, कलयुग के अंत में। अब फिर वापस जाना है, आने का और निकलने का गेट होता है ना, कहां भी प्रोग्राम में जाओ, हॉल में जाओ, प्रदर्शनी हम लोग करते, दो गेट बनाते, एक लोगों के आने का और एक जाने का। अब आने को तो मंदिर आ गए, कोई सतयुग में आए, कोई त्रेता में आए, कोई द्वापर में आए, जाने का गेट है, उधर से जाना होगा सबको, तो दो गेट बनाते हैं। ये भी ऐसा है, तो बच्चों को समझाना चाहिए, बाकी थोड़ा किनारा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, अभी हम किनारे पर हैं, बहुत ही थोड़ा समय है। अब इस पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल, कहां भी बुद्धि लटकी हुई, अटकी हुई, भटकी हुई ना रहे, शरीर का भी भरोसा नहीं। अब तो नई दुनिया में जाना है, समझानी तो बड़ी सहज मिलती है, ये बुद्धि में रखना चाहिए, चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। अभी तुम कलयुग में नहीं हो, हम बच्चे कहाँ हैं, हम तो संगम पर है, कलयुग से निकल गए, सतयुग में जा रहे हैं। अब तुम कलयुग में नहीं हो, तुमने उस हद को छोड़ दिया, कलयुग के किनारे को तो छोड़ दिया, अब फिर उस तरफ वालों को याद क्यों करना चाहिए, जो छूट गया उसको क्यों याद करे। देखो जब कोई की मृत्यु होती है उसको याद रहेगा, पिछले जन्म के माँ बाप कौन, संबंधी कौन, हम अभी याद करें कि इसके पहले के जन्म में मेरे कौन माता पिता थे, इतना भी याद करूंगी याद नहीं आएगा। बाबा कहते ऐसे तुम भूल जाओ, किनारा छोड़ दिया, कोई भी चीज को पुरानी दुनिया की याद मत करो, जबकि छोड़ दिया है पुरानी दुनिया को, हम पुरुषोत्तम संगम पर है, तो फिर पिछाड़ी में देखें भी क्यों, देखें तो सही, थोड़ा बुद्धि जाता है, नहीं चेक करो कहां जा रही है मेरी बुद्धि। हो सकता है दादियां क्लास कराती है ना तो बताती है, मान लो कहां बुद्धि गई और उसी घड़ी शरीर छूट गया, हालत क्या हो जाएगी, अंतमते सुगति नहीं होगी, बाबा की याद में शरीर नहीं छूटेगा, तो हम क्यों मुड़ करके देखें, बुद्धि योग विकारी दुनिया में क्यों लगावे। बड़ी सूक्ष्म बातें हैं बाबा जानते, कोई कोई तो रुपए से एक आना भी नहीं समझते हैं। देखो बच्चों में नंबर वार, पहले कहते थे 16 आना एक रुपया, तो जब कहते ना तो बोलते एक आना भी नहीं समझते, एक पाई भी नहीं समझते। तो बाबा कहते कई बच्चे हैं बहुत थोड़ा समझते हैं, अच्छा सुना और भूल जाते, बाबा की मुरली सुनी, क्लास सुना, फिर अपने धंधे में, गृहस्थ में, बच्चों में फंसे हुए रहते, याद ही नहीं रहता बाबा ने क्या बोला, भूल जाते। तुमको पिछाड़ी तरफ नहीं देखना है, बुद्धि से काम लेना है, हम पार निकल गए फिर पिछाड़ी में देखें क्यों। देखो कितना बाबा पक्का करा रहे, आगे देखो, आगे देखो, मंजिल को देखो, जो चीज आ रही है उसको देखो, जहां जाना है उसको देखो, पास्ट इज पास्ट। बाबा कहते कितनी महीन बातें समझाते हैं, फिर भी बच्चों का जो कांध है ना वो पिछाड़ी में क्यों लटका रहता है। देखो अभी मैं इधर आपको देख रही हूँ, अगर मैं ऐसे उल्टा करके खुद को देखती हूँ तो मेरा जो कांध है ना वो ऐसा हो जाएगा ना। तो बाबा कहते तुम अभी आगे बढ़ रहे हो ना, किनारे पर जा रहे हो, सतयुग के किनारे पर, कांध ऐसा क्यों करते हो।
नहीं करना है, कलयुग तरफ लटका हुआ है कांध। बाबा कहते कांध इस तरफ कर दो, हाँ तकलीफ भी होगी ना, टेढ़ा देखेंगे कांध मुड़ जाता है, मोच आ जाती है। तो बाबा कहते उधर मत देखो, ये पुरानी दुनिया तुम्हारे कोई काम की चीज ही नहीं है। कौन बताओ क्या चीज काम आएगी, कौन व्यक्ति काम आता है, सब सुख के साथी है, सब स्वार्थी है, दुख का कोई साथी नहीं। साथी है तो केवल एक शिव बाबा जो कहां भी पहुंच जाएगा और मदद करेगा। बाबा पुरानी दुनिया से वैराग्य दिलाते हैं, नई दुनिया सामने खड़ी है, तो पुरानी दुनिया से वैराग्य विचार करो, ऐसी हमारी अवस्था है। अब बाबा ने वर्णन तो सब कर लिया ना, देखो मेरी ये अवस्था है। बाबा कहते पास्ट इज पास्ट, बीती बात को चितवो नहीं। दुनिया में अज्ञान काल में भी लोग कहते बीती सो बीती, उसको भूल जाओ। पुरानी दुनिया में कोई आश भी नहीं रखो, इच्छा मात्र अविद्या, क्योंकि यहाँ की आशाएं पूरी नहीं होती, और क्या आशाएं रखे जो दुनिया ही खत्म हो रही है। अब तो एक ऊंची आशा रखो, आशा रखनी है हम बच्चों को, एक ही ऊंची आशा रखनी है, वो है हम चलें अपने सुख धाम स्वर्ग में, उच्च पद पाने की इच्छा। बुद्धि में सुख धाम याद रहना चाहिए, याद है ना सभी को स्वर्ग। अभी अभी दिवाली चली गई, लेकिन हमारी दिवाली तो आ रही है, दुनिया स्वर्ग आ रहा है हम बच्चों के लिए, पिछाड़ी में क्यों फिरना चाहिए। परंतु है ना बहुतों की ना पीठ मुड़ जाती है। देखो पहले बाबा ने कांध बोला, ऐसा कांध मुड़ता है, फिर और ज्यादा बुद्धि जाती तो क्या होता है, पीठ ही वहां चली जाती, ऐसा पूरा मुड़ करके देख लेते और वैसे खड़े हो जाते और पीठ सत्यों के तरफ चली जाएगी, कैसे चलेगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे पीठ भी मुड़ जाती है, तुम अभी हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, पुरानी दुनिया से किनारा कर लिया, समझ की बात है, तो कहां भी ना ठहरना नहीं है और कहां देखना भी नहीं है। इस पुरानी दुनिया में बीती को याद ही नहीं करना है। बाबा कहते बच्चे आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, पिछाड़ी में मत देखो, पक्का करो आज पिछाड़ी को नहीं देखना है, एक तरफ ही देखो, सामने बाबा लक्ष्य किनारा, तो क्या होगा, अचल अडोल अवस्था रह सके। उस तरफ देखते रहेंगे पीछे तो पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी याद पड़ते रहेंगे, नंबर वार तो है ना। आज देखो तो बहुत अच्छा चल रहे हैं और कल गिरा तो दिल एकदम हट जाती, ज्ञानी छोड़ देंगे। ऐसी ग्रहचारी बैठ जाती है जो मुरली सुनने की दिल नहीं होती है, इतना माया अपने वश कर लेती है, इतने मित्र संबंधियों के संग में आ जाती। कल तो बाबा बाबा कहते थे और आज बाबा कहते उनको मुरली सुनने की दिल नहीं करती है, दुर्भाग्य हो जाता। ग्रहचारी बैठती, ऐसे ग्रहचारी बहुतों को बैठती है, क्योंकि हमारे भी हिसाब किताब है ना, तो ग्रहचारी न बैठे हमारे ऊपर, आवे पर उसका प्रभाव न पड़े, उसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, तो नहीं बैठेगी। और उतरती भी है ग्रहचारी बाबा की याद से, तो फिर मुरली सुनने की दिल नहीं करती, तो विचार करो ऐसा होता तो नहीं है ना। बाबा कहते तुम अभी संगम पर खड़े हो तो रुख आगे रखना चाहिए, आगे है नई दुनिया, तब खुशी भी होगी। अब बाकी षड पंथ बहुत समीप पहुंच गए, किनारे पर पहुंच गए। कहते हैं ना अरे अभी तो अपने देश के झाड़ देखने को आते, देखो लोग ट्रेन में जाते, कोई और व्हीकलों में जाते,
जैसे जैसे गांव नजदीक आता, अरे ये देखो अपना गांव आ गया, अपनी नदी, अपने झाड़, अपने गार्डन, ऐसे सब याद आते हैं। तो सब दिखाई देता है, खुशी बढ़ती जाती, मधुबन जाते जैसे ही आबू स्टेशन नजदीक आती है, खुशी बढ़ती जाती। तो वो झाड़ दिखते हैं, अरे आवाज करो तो झट वो सुनेंगे, षडपंथ अर्थात बिल्कुल सामने। इसलिए धीरज रखो, हाँ, दुख में दुखी मत हो जाओ, सब टेंशन बाबा को दे दो, खुश रहो। तुम याद करते हो और देवताएं आ जाते, कितनी हमारी योग की पावर भी बढ़ जाती है। आगे थोड़ी इससे आते थे, सूक्ष्म वतन में ससुर घर वाले आते थे क्या? अब तो पियर घर और ससुर घर वाले जाकर के मिलते हैं। संगम युग पर बाबा ने सूक्ष्म वतन स्थापन किया, संदेशियां वतन में जाती है, तो बाबा कहते वहां पर ये मंगल मिलन होता, फिर भी बच्चे चलते चलते भूल जाते। अब इतना बाबा बहलाते हैं, इतनी रमणीक बातें सुनाते हैं, तो उसमें हमें खोए रहना है, भूल जाते हैं, बुद्धि योग पिछाड़ी में हट जाता। उसका कारण ये है, मुड़ करके देख लेते, उसके कारण गड़बड़ हो जाती है। बाबा कहते तुम सबका ये अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अभी पार होना है, अब आगे जाके पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है, मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। भाई सुनते रहो, खुशी को बढ़ाते जाओ, एक दो कदम ही बाकी है, बस किनारा दिख गया, कदम बढ़ाकर किनारे पर पांव रखना है, इतना ही समय बचा है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना, तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर। तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती है अपनी स्वीटों, ये याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना दी, ये याद रखेंगे खुशी रहेगी ना, तो बाबा कहते स्थिति तुम्हारी अचल अडोल बन जाएगी। ये विचार सागर मंथन करते रहना है, ये बुद्धि की बात है, हम आत्मा जा रही है। अब बाकी नजदीक षडपंथ, याद रखो शब्द षडपंथ पर है, बाकी थोड़ा समय, इसको याद की यात्रा कहा जाता, ये भी बच्चे भूल जाते। अरे बच्चे चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं, देखो बाबा याद करा रहे। अपने दिल पर हाथ रख कर देखो, सब रखो अपने दिल पर हाथ रखो, बेटा ऐसे हाथ रखो, दिल पर हाथ रख कर देखो, देखो क्या देखो, बाबा जो कहते हैं कि अपने को ऐसे समझो, देखो सब पूछते रहो, मैं बता रही हूँ, पढ़ रही हूँ, मैं भी पूछ रही हूँ, आप भी पूछो। बाबा जो कहते हैं अपने को ऐसा समझो, हम षडपंथ पर आकर खड़े हैं, क्या ऐसी अवस्था मेरी है, मैं अपने को ऐसा समझ रही हूँ, समझ रहा हूँ, महसूस कर रही हूँ, या मेरी मंजिल मुझे बहुत दूर दिखती है, अब तो मैं कलयुग के किनारे पर ही हूँ, थोड़ा सा ही नाव चली है, बहुत किनारा लंबा है सतयुग का, नहीं, महसूस करो। बुद्धि में एक बाबा की याद रहे, बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते, कैसे भी याद करो, अलग अलग ढंग बताते ना बाबा। इस याद की यात्रा में मस्त रहना है, बस अब हमको जाना है घर, यहाँ सब है ना झूठे संबंध, झूठे बंधन, सच्चा सत्यु का संबंध है। अपने को देखो, हम कहाँ खड़े हैं, देखो सब कहाँ खड़े, अपने घर में खड़े हो, बैठे हो, कहाँ खड़े हो सभी। सत्युग से लेकर बुद्धि में चक्र को याद करो,
इसीलिए बाबा ने कौन सा टाइटल दिया हम लोगों को, बहुत सुंदर अच्छा टाइटल, बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो। कौन है हम बच्चे? स्वदर्शन चक्रधारी। सतयुग से लेकर चक्कर लगाकर आके किनारे पर खड़े, पक्का करो सारी मुरली में एक ही बात है, षडपंथ हुआ ना बच्चे। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गंवाते हैं, बहुत समय व्यर्थ गंवाते हैं, 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा की याद कम हो नहीं, बाबा की याद ज्यादा से ज्यादा। स्वदर्शन चक्रधारी सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा तो भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं, आत्मा की बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है, बुद्धि में ये याद क्यों नहीं रहनी चाहिए? अभी हम किनारे पे खड़े, ये किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता? ऐसा अपने आप को कॉन्शियस से अंदर में पूछो, क्यों नहीं याद रहता? क्यों बुद्धि पुरानी दुनिया में जाती? कांध मुड़ता है मेरा, जबकि हम जानते हैं हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। जाकर के मैं किनारे पे खड़ा रहूं, जू के मुआफक चलते रहो चलते रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? क्वेश्चन पूछ रहे बाबा, क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो? करेंगे ना, सब करेंगे। क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है? मेरी बुद्धि में चक्र क्यों नहीं आता? ये स्वदर्शन चक्र है ना, बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्कर लगाकर आकर किनारे पे खड़ी रहनी चाहिए, और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट न रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को ना साइलेंस में जाना है, बोलना भी कम करो, अंतर्मुखी बनो साइलेंस में, क्योंकि घर जाना है, शांति धाम जाना है। टाइम वेस्ट नहीं गवाओ, वैल्यूबुल टाइम है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ, नए दुनिया में बुद्धि जितनी लगानी है लगाओ। योग नहीं लगाएंगे बच्चे, पाप कैसे कटेंगे? देखो कैसी मुरली बाबा चला रहे, नशा भी चढ़ा रहे, सावधानी भी दे रहे, अपने को चेक करें, पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो कि ये दुनिया तो खत्म होनी है, इनका मॉडल कितना छोटा है, 5,000 वर्ष चलता। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या, पता ही नहीं है। वो क्या जाने स्वर्ग से, समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में कामकाज कर बुद्धि में याद रखो, ये दुनिया अभी खत्म होने वाली, बस गई की गई। अब जाना है, हम पिछाड़ी में खड़े, एक ही बात है मुरली में, हम पिछाड़ी में खड़े हैं। कदम कदम जू के मिसल चलता है, मंजिल कितनी बड़ी है। बाप तो मंजिल को जानते हैं ना, बाबा के साथ ये दादा भी इकट्ठा है, वह समझाते हैं, तो क्या ये नहीं समझा सकते? क्यों नहीं समझा सकते? अलौकिक पिता है हमारे ब्रह्मा बाबा, क्यों नहीं समझा सकते? ये भी सुनते तो है ना, क्या ये ऐसे से विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाबा तो कितना करते रहे। बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट सुनाते रहे, रेडी करके देते, बच्चे इस पर मंथन करो, इस पर मनन करो। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है, अरे यह तो दुम लटका हुआ है,
फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? ये सब गुये गुये बातें धारण करनी, बाप दादा तो कंबाइंड है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास दो दो वर्ष के बाद आते, क्या ये याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? साकार बाबा के समय मुरली चली है, बच्चे दो दो बरस मधुबन नहीं आते। देखो मधुबन जाना तो सौभाग्य की बात है, वो धरती इतनी पावरफुल है, वहाँ पांव रखने से ऊर्जा आती है। तो बाबा कहते कई बच्चे दो दो वर्ष नहीं आते हैं, तो कैसे समझते होंगे कि हम किनारे पे खड़े हैं, अभी जाना है। तो ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी चाहिए क्या? बाबा ने ये भी समझाया है, डबल ताज ये सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता थोड़ी, कोई बना बनाया ताज तो नहीं पहनते ना, पवित्रता का ताज है वो, ये तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक है उनके चित्रों में लाइट जरूर दिखाते हैं, क्योंकि वो वाइसलेस सतो प्रधान है। फिर सतो रजो तमो में आते हैं, तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है ना तो उसमें मस्त रहना चाहिए, बल तुमो से दुनिया में, परंतु तुम्हारा बुद्धि का योग है नवा लगा रहे, भले शरीर इधर है आत्मा यहाँ पार्ट भी प्ले कर रही है, पर बाबा कहते बुद्धि तुम्हारी घर और तुम्हारा आने वाला स्वर्ग बस वहीं रहनी चाहिए। हाँ इनसे भी तोड़ निभाना है, रहना है साथ में तो थोड़ा तोड़ तो निभाना होगा। जो स्कूल के होंगे वो निकलते भी आते रहेंगे, सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वो जरूर आगे पीछे आएंगे, पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे, इनका ये भी पार्ट है, पीछे आए लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट। बाबा ने सबको मार्जिन दिए, कोई भी जा सकते, ये पिछाड़ी तक है ना चलता ही रहेगा, पीछे आने वाले आगे जा सकते, आगे वाले पीछे चले जाते, वो पुरानों से तीखे कदम बढ़ाते रहेंगे। सारा इम्तिहान है किस पर? याद की यात्रा पर, बल देरी से आए। याद की यात्रा में अगर लग जाए और सब धंधा दोरी छोड़कर बाबा की याद में बैठ जाए, ये हो सकता है। भोजन तो खाना ही है, वो भी खाओ बाबा की याद में, अच्छी तरह याद में रहेंगे, खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, बस नाचते रहेंगे। कहते ना सच तबीठो नच, नाचते रहेंगे, यही तात लगी रहेगी। अब हम जाते हैं, 21 जन्मों का राज्य भाग्य बाबा हमको दे रहे हैं। लॉटरी मिलने वालों को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना, देखो किसकी 5 लाख की लॉटरी लग गई, कितनी खुशी होगी उस, कितनी बड़ी लॉटरी बाबा दे रहे हमको, पद्मों की गिनती नहीं कोई। तुमको बहुत मेहनत करनी है, इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। याद की यात्रा में बहुत मजा है, हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थैर्यम बना ना, बम्बोर को आग लगी, रावण का राज्य तो जल गया, ये भी एक तो कहानी बना दी रावण को जलाने की। बाबा यथार्थ बात बैठ समझाते हैं, रावण राज्य खलास हो जाएगा, स्थैर्यम बुद्धि इसको कहा जाता है, बस ये याद करो स्थैर्यम हो जाओ। बस अब षडपंथ है, अब हम जा रहे हैं, इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, खुशी का पारा चढ़ेगा और आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर आधा कल्प चलता है, बस एक जन्म तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हो, कितनी बड़ी लॉटरी बाबा देते। तो इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब जो करेगा वो पाएगा, बाबा शिक्षा देते रहते हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते, इतने थोड़े टाइम में कमाल कर, भगवान साथ में है ना,
जादूगर है, थोड़े टाइम में कितनी बड़ी कमाल करते, सारी दुनिया को चेंज कर देते। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है चेंज करना, कल्प कल्प करते हैं। बाप समझाते, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धियों किधर लगाओ, बाबा में लगाओ। ये गुप्त बात बाप ही बच्चों को समझाते, अपनी अवस्था को अच्छी तरह जमाते रहो, नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो अभी हम किनारे पर खड़े, पका किया सभी ने किनारे पे खड़े हैं, फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें, मुड़ के नहीं देखना है, आगे कदम बढ़ाना है। इसमें कौन सा गुण चाहिए, अंतर्मुखता। पहले बाबा ने साइलेंस पावर भी बोला, अंतर्मुखता चाहिए। इसीलिए कछुए का भी मिसाल, जब कर्म करने इंद्रियों को फैलाओ, कर्म हो गया बाबा की याद में रहो। ये मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए, सन्यासी तो है हठयोगी, वो राजयोग सिखला न सके, वो लोग सुनते हैं तो समझते ये लोग हैं ना हमारी इंसल्ट करते, इसलिए ये भी तो युक्ति से लिखना पड़े ना। सांप भी मरे लाठी भी न टूटे, समझना पड़े। बाप बिगर कोई राजयोग सिखा न सके, इनडायरेक्ट बोला जाता है ना, ख्याल न हो, ये भी युक्ति हमको बाबा सिखाती, युक्ति से चलना होता है, नहीं तो झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, फिर बाबा कहते वो लोग प्रॉब्लम खड़े कर देते हैं। बाबा भी यही कहावत कहते, सर्प भी मरे और लाठी भी न टूटे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, छोड़ मत दो, बाबा ने मना नहीं किया, परंतु बुद्धि का योग बाबा के साथ, ये मुख्य बात है। तुम जानती हो अभी हम एक कीमत पर हैं, ये देवता बनने की मत, इसको अद्वैत मत कहते। बच्चों को देवता बनना है, कितनी बार तुम बने हो, अनेक बार। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, अंतिम जन्म है, अब जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना, देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो, दिखाई दे तो भी देखते हुए न देखो, मंजिल को भूलना नहीं। तुम हो महावीर, टाइटल याद रखो, महावीर है, माया पर जीत पाते हैं। अभी तुम समझते हो हार और जीत का ये चक्र घूमता रहता है, खेल बना हुआ है, कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। ये पता था कि अपने को बिंदी समझना है, नहीं मालूम था, इतनी छोटी सी बिंदी में इतना सारा पार्ट भरा हुआ, कितना वंडर है, चक्र फिरता ही रहता है, बहुत वंडर है, कल्पना करो बहुत वंडर लगेगा। वंडर कहकर छोड़ना पड़े, क्योंकि क्यों क्या कैसे बुद्धि खराब हो जाएगी, वंडर कह के छोड़ना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रुवानी बच्चों को, रुवानी बाप की रुवानी बच्चों को नमस्ते। हम रुवानी बच्चों की रुवानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मुरली में पक्का करो, षड पंथ पर खड़े हैं, किनारे पर खड़े हैं, सतयुग आया कि आया, घर जाने का समय आ गया, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कांध को पीछे नहीं करना है, बुद्धियोग सबसे हटाना है, एक मेरा शिव बाबा दूसरा न कोई। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पीछे मुड़ कर के नहीं देखना है, किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है, एक बाबा की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस अचल अडोल एक रस रखनी है। दूसरा बुद्धि में याद रखना है, अभी हम किनारे पर खड़े हैं, घर जाना है, गफलत छोड़ देना है, अपनी अवस्था जमाने में गुप्त मेहनत, अंदर ही अंदर गुप्त मेहनत करनी है, वरदान है। व्यंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव,
विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप में रूप और बसंत, इन दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हो, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, बसंत माना मास्टर ज्ञान सागर, तो उनसे हम ज्ञान देने का, संदेश देने का कार्य करते हैं। ऐसे ही रूप, रूप माना ज्योति बिंदु आत्मा, याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा व्यंग मार्ग की सर्विस करो। मनसा सेवा बोल सकते, इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जौ यज्ञ में सुहा करो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति होगी। स्लोगन है, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल लाओ। ये बहुत जरूरी बात हो जाती है, कहाँ बालक बनना है और कहाँ मालिक बनना है। विचार देते समय मालिक और डिसीजन जब होता है तो बालक, तो ऐसे बालक और मालिक दोनों का बैलेंस बाबा कहते बहुत जरूरी है, वो बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। अच्छा, ओम शांति। तेरे रूहानी ने दिल को सुकून देते हैं, दिल को सुकून देते हैं तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी ने। जब भी देखूं इन नैनों में, जब भी देखूं इन नैनों में, बात नहीं कह देते हैं तेरे रूहानी ने, ओ बाबा तेरे रूहानी।